तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही कमाल की गुड न्यूज़ बताने वाला हूँ, वो भी A52s यूज़र के लिए। जैसा कि मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, आज बताने वाला हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी का S24 सीरीज लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर दबा दबा के AI के फीचर्स एड ऑन किए गए थे। स्लोमो, बहुत सारे AI के फीचर एड ऑन थे। सबके मन में एक ही क्वेश्चन था, ये कब हमारे मोबाइल में लॉन्च होगा, आएगा कि नहीं आएगा। जैसा कि सैमसंग ने क्लियरली कर दिया था कि ये सभी पुराने फोन में भी आ जाएगा 6.1 अपडेट के बाद। तो फाइनली दोस्तों, आज A52s के लिए 6.1 से रिलेटेड न्यूज आई है। दोस्तों हुआ क्या है, 6.1 का टेस्टिंग वर्जन लॉन्च हो चुका है, वो भी इंडिया में। मतलब टेस्टिंग वर्जन लॉन्च क्या मतलब मिल चुका है, अभी इंडियन यूजर्स को नहीं मिला है, पर इंडिया का बीटा वर्जन या बोल सकते हैं इंडिया का टेस्टिंग वर्जन लॉन्च हो चुका है। और आने वाले टाइम पे धीरे धीरे इसका स्टेबल वर्जन भी आ जाएगा। तो ये अभी जो न्यूज़ है, ये रूमर्स की तरफ से आई है, ऑफिशियली नहीं आई है। बट उसके अंदर एक वहाँ पर जो वर्जन नंबर होता है ना, वो मेंशन है, जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये इंडिया का UI 6.1 का टेस्टिंग वर्जन है A52s के लिए। और जहाँ तक रूमर्स का कहना है कि मार्च तक या मार्च एंड तक आपको A52s पे UI 6.1 का अपडेट मिल जाएगा। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि आने वाले टाइम में मार्च तक उम्मीद है कि फरवरी सिक्योरिटी अपडेट और आपको साथ में ही UI 6.1 का अपडेट मिल जाएगा A52s के लिए। और A52s का अपडेट आता ही आपके सैमसंग गैलेक्सी A52s की मज़ा ही आ जाएगा यार। आपको उसके अंदर सारे AI के फीचर्स जो कि S24 में मिलते हैं, सब आपको इसके अंदर मिलने लग जाएंगे। और इसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगी, सब चीज़ आपको मिलेगी। जैसा कि आपको उसके अंदर पता ही है, बहुत सारे AI के फीचर्स हैं, सारे AI फीचर्स इसमें मिलने लग जाएंगे आपको UI 6.1 के अंदर। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ थी, आज ही आई थी और अभी आई, जैसे ही आई मुझे पता लगी, मैंने सबसे पहले वीडियो बना के बता दिया कि भाई बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि भाई मैं भी A52s यूज़ कर रहा हूँ। और ये न्यूज़ सुन के मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि यार भाई अब फाइनली कुछ नया आने वाला है UI 6.1 में, नहीं तो बोर हो चुके हैं कि एक चीज़ चला के। फाइनली ये अब जल्द से जल्द हो सकता है मार्च के 25 या 26 तक आपको ये अवेलेबल मिल जाए, नहीं तो अप्रैल स्टार्टिंग में तो आपको अपडेट ये मिल ही जाएगा UI 6.1 के साथ। तो यही लेटेस्ट अपडेट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना। और भाई मैं कुछ टाइम से अभी कमेंट्स पर रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत जल्दी उस पर भी रिप्लाई करूँगा। और मुझे यार इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना, इतना सब कुछ कर ही लोगे, एक चीज़ और कर लेना। व्हाट्सअप पे तुम्हारे भाई ने चैनल बनाया यार, उस पर कोई फॉलो ही नहीं कर रहा यार, उस पर भी फॉलो कर लो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।